यानी वैसे तो जनरल चीजें हैं, कोई खास डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट इट्स बेसिकली एट द स्कीन, इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम अपने आप को जो है वो अपने विजन को एक दफा रिविजिट करें और जो चीजें प्लीज अपने माइक म्यूट किया रखा करें, अभी हमजा वारिस आपकी आपका माइक खुला हुआ था। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ के बारे में हम आज के बेसिकली हमारा टॉपिक है, और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिस्कस करें एक ओवरऑल अप्रोच कि हमारी इस्लाम के बारे में क्या, यानी अपनी लाइफ के बारे में हमारी क्या क्या। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कई एतबार से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो आइए कुछ चीजें जो है अहम है हमारी जिंदगी के बारे में उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामिक लाइफ के बारे में ये समझना जरूरी है, यानी निजामे जिंदगी के बारे में ये समझना जरूरी है कि इस्लाम हमें एक होलिस्टिक अप्रोच देता है लाइफ के बारे में। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि इस्लाम हमारी जो जिंदगी को कुछ चीजों में कैद नहीं कर देता, यानी हमें कन्फाइन नहीं कर देता कि आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, या आपसे जो तकाजा है वो सिर्फ इन चार या पांच चीजों का तकाजा है, इसके अलावा किसी चीज और का तकाजा नहीं है। नहीं, बल्कि इस्लाम जो है वो पूरी जिंदगी के हर हर पहलू, हर हर वॉक ऑफ लाइफ, हर हर एस्पेक्ट, हर हर जिहत के हवाले से बात करता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है क्योंकि जाहिर है इंसान अपने आप को ये समझता है कि वो आजाद पैदा हुआ है और अल्लाह ने उसको एक फ्री विल दी है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को फ्री विल तो जरूर दी है, लेकिन इस इंसान से एक्सपेक्टेड ये है कि इंसान अपनी उस फ्री विल को अल्लाह ने जो बाउंड्रीज बयान की हैं उसी के अंदर इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में कि जी इस्लाम जो है वो सिर्फ कुछ टेनेट्स ऑफ लाइफ जो है, ये कुछ बेसिक फेसेट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है और बाकी इंसान के लिए खुली छुट्टी है या उसको छोड़ दिया गया कि वो अपने बारे में खुद फैसला करे कि उसके लिए क्या दुरुस्त है क्या बुरा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बात की, ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि ये नोट्स जो हैं बेसिकली ये एक बुक है बेसिकली, उसमें से ये उसी के टॉपिक पे आपका टॉपिक रखा गया है। जब ये आपका हुआ था तो एक बुक के ऊपर बेसिकली रखा गया, तो उसमें से मैंने कुछ एक्सर्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं, साइड करनी है शायद आपके साथ उसको गो थ्रू भी करते रहे। It does not confine itself really in purifying the spiritual and the moral life of man in the limited sense of the world. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिलीव करता है इस बात पे कि देयर इज अ डिविजन बिटवीन अ मैनस पर्सनल लाइफ एंड द सोशल लाइफ। वो इस चीज को प्रोफेस करता है और वो इस चीज को प्रमोट करता है कि आपकी जो एक माशरती है सोशल लाइफ है और आपकी पर्सनल लाइफ चाहिए, कि जो है उसका ताल्लुक पर्सनल लाइफ के सोशल लाइफ के साथ नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा नेट के अंदर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मैं तो इंटरनेट कोशिश कर रहा हूँ दूसरे असिस्ट कर रही, मुझे एक मिनट दीजिए ताकि आपकी क्लास बार बार जो है वो हर्डल ना इसमें। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि
सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें कन्फाइन करता है रिलीजन को इंसान के सिर्फ पर्सनल लाइफ तक, जबकि जो दीन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ दीन है, वो दीन इंसान की पूरी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। यानी मेरी पर्सनल लाइफ तो इंपॉर्टेंट है ही है कि मैंने अपनी पर्सनल जिंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा दीन मुझसे कुछ और तकाजे भी करता है, और वो तकाजे ये करता है कि मैंने अपनी सोशल लाइफ के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, मैंने अपने बिजनेस डीलिंग्स किस तरह करनी है, मैंने पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ, आई एम अ पॉलिटिशियन, तो हाउ एम आई सपोज टू रन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। और इसी तरीके से मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हवाले से हमारा दीन बात करता है। और ये हदीस मैंने आपके सामने पहले भी एक जिक्र की है, लेकिन रिमाइंडर के तौर पर दोबारा पेश कर देता हूँ। कहते थे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे कहा गया कि قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِرَاءَةَ, कि तुम्हारा नबी जो है वो तुम्हें हर चीज सिखाता है, यहाँ तक कि तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी बताता है। तो आपने कर फरमाया कि अजल बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा जो नबी है हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में हमें गाइड करता है। और फिर आपने जो है वो पेशाब करने का जो तरीका है, बाथरूम के अंदर बैठने का तरीका, वो सारी चीजें जो है हमारे दीन के अंदर वो उनके सामने पेश कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इट्स डोमेन एक्सटेंड्स टू द एंटायर गैमट ऑफ लाइफ, इट वांट्स टू मोल्ड इंडिविजुअल लाइफ एज वेल एज द सोशल ऑर्डर इन हेल्दी पैटर्न, सो दैट द किंगडम ऑफ गॉड मे रियली बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द अर्थ, एंड सो दैट पीस, कंटेंटमेंट एंड वेलबींग मे फिल द वर्ल्ड एज वाटर्स फिल द ओशंस। तो क्या मतलब है? मतलब यही है सिंपल कि अल्लाह ताला ने सोशल लाइफ के साथ, सोशल लाइफ के बारे में जो बहुत सी हमें गाइडलाइंस दी हैं, उसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि किसी भी मुआशरे की सक्सेस के लिए सिर्फ पर्सनल लाइफ का अच्छा होना काफी नहीं होता। अगर हर बंदा अपनी फैमिली के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अपनी सोशल लाइफ के अंदर वो किसी कायदे और जाब्ते का पाबंद ना हो, तो एक सोसाइटी अच्छे अंदाज से सक्सेसफुल नहीं रह सकती, क्योंकि इंसान जो है वो सोसाइटीज के अंदर रहते हैं और सोसाइटीज हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है। इसीलिए जितनी अहमियत इस्लाम ने पर्सनल लाइफ को दी है, बिल्कुल उसी अहमियत के साथ इस्लाम ने जो है एक अखलाकी निज़ाम दी है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम दी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम दी है, मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्लाम ने हमें दिए। तो इस्लाम जिस तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कंसर्न है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी एक सोशल लाइफ के बारे में भी कंसर्न है। और उसका मकसद बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि इंसान जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारे तो इंसान के सामने ये सारे हकायक मौजूद होने चाहिए। अब जरा ये तो एक जनरल चीज है, मैंने आपके साथ डिस्कस की कि इस्लाम का जो एक अप्रोच जो है वो लाइफ के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच है, कि इस्लाम कन्फाइन नहीं करता, कैद नहीं करता सिर्फ अपने आप को इंसान की पर्सनल लाइफ में, बल्कि पूरी सोसाइटी को भी अपने साथ लेके चलता है। अब कुछ बेसिक बिलीफ सिस्टम्स हैं जो इस्लाम हमसे एक्सपेक्ट करता है, और वो बिलीफ सिस्टम्स हमारी लाइफ को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं, बेसिक बिलीफ्स और फैक्ट्स और ट्रुथ्स क्या हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, यानी अल्लाह इज द क्रिएटर, द रूलर एंड द लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, हु हैज क्रिएटेड मैन एंड प्रोवाइडेड हिम विद टेंपरेरी स्टेशन इन दिस पार्ट ऑफ दिस वास्ट किंगडम व्हिच इज नोन एज द अर्थ। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला सच या पहला फैक्ट जो इंसान को एक्नॉलेज इस दुनिया में करना है, वो इस बात का है कि अल्लाह ताला ने उसको ये दुनिया में जगह दी है, और अल्लाह इस कायनात के, इस पूरे कॉस्मोस के खालिक है। कभी आप कॉस्मोस को देखें और कभी आप ये प्लानिटरी और ये जो ऑर्बिट्स हैं और ये जो गैलेक्सीज हैं, ये स्टार्स हैं, ये हेवनली बॉडीज जिनको हम कहते हैं, जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके चले मैं आपको, अब हो रही है आपकी, चले। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हेवनली बॉडीज हैं और इसी तरीके से जो स्टार्स हैं, जो इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप उनको देखें, अगर आप उनको गो थ्रू करें, तो आपको ये समझ आएगी कि कितना बड़ा निजाम है पूरी जिंदगी का। और हम समझते हैं कि यानी हम उस निजाम के कितने एक छोटा सा हिस्सा है, हमारी अर्थ जो है, और उस अर्थ का भी हम इंसान, यानी मैं अगर अपने आप को देखूं या आप अपने आप को देखें, तो आपकी उस पूरी अर्थ के सामने आपकी क्या हैसियत और अहमियत है। वी आर नथिंग, इनफैक्ट
हम क्या लाइक एटम्स, ठीक है ना, एटम्स होते हैं ना, जिस तरीके से वो हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी नहीं, हम एटम्स हैं, बल्कि उससे भी छोटी हमारी हैसियत है अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें इस कायनात में। तो उस बनाने वाले ये तमाम स्ट्रक्चर को, ये पूरी ये कॉस्मोस को बनाने वाला, और इसके अंदर एक अर्थ, और इसे अर्थ की जो आप इटसेल्फ वास्टनेस को देख रहे हैं, उस अर्थ की जो गहराइयां हैं और इसका पानी है, समुंदर है, कभी आप उनको जो है ऑब्जर्व करें तो आप हैरान हो जाते हैं। यू कैन नॉट हेल्प यूर सेल्फ बट टू अप्रिशिएट कि अल्लाह ताला ने किस अंदाज से ये चीजें बनाई हैं, और इसका खालिक मौजूद है, और मैं उसके अंदर एक छोटा सा आदमी। अब अल्लाह ने इतनी बड़ी तख्लीक फरमाई, और इस तख्लीक के अंदर इंसान को एक हैसियत दी, और वो हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वो हमें पता चलता है कि हम यानी ये हैसियत जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी जो लाइफ है, इट्स नॉट अ वेस्ट। हम अपनी लाइफ को यानी एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा उसके बाद। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जिंदगी जो है, हम में से अक्सर लोगों का जो फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर जो है अपनी लाइफ के बारे में, जो होपलेस हो जाते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, जो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते, जो अपनी लाइफ को जाया, जिनकी लाइफ अगर जाया हो रहा हो, जाया हो रही हो, वो एक बेसलेस चीजों के अंदर, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने इस कायनात के अंदर मुझे एक स्पेशल पोजीशन दी है। देखिए जरा ये जमीन की जरा रिसोर्सेज को देखें, और उसके बाद इस आयत को देखें जो सूरह बकरा की आयत, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन, इस सब का सब जो इस जमीन पे मौजूद है तुम्हारे लिए पैदा किया। थुम्मा इस्तवा इला सम'ई, देन ही मूव्स ओवर टुवर्ड्स द हेवन, फसवाहुन सब'अ समावात एंड मेड देम सेवन हेवंस, وهو بكل شيء عليم and he's all knower of everything. यानी इस कायनात के अंदर जमीन आपकी हैसियत क्या है, आप अपने आप की हैसियत को इस तरह जान सकते हैं कि इस कायनात में, इस जमीन पे अल्लाह ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं वो आपके लिए पैदा की, ये अल्लाह का कहना है। तो सवाल ये है, जब अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ पैदा किया तो मुझे किसके लिए पैदा किया है? मेरा तो ऑब्जेक्टिव और मेरा मकसद इस दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए ना। और ना सिर्फ अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, मुझे ये चीजें अता की, बल्कि मुझे कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी भी दी इस दुनिया में, मुझे कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी दी। मैन हैज बीन गिवन अ सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी व्हाइल बीइंग अपॉइंटेड बाय गॉड ऑन अर्थ एज अ सक्सेसर टू द बीइंग्स दैट हैड प्रीवियसली पॉपुलेटेड इट। द ऑटोनॉमी हैज गिवन वाज गिवन इन फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द अर्थ। अल्लाह फरमाते हैं वह قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة when your Lord said to the angels إني جاعل في الأرض خليفة indeed I'm going to place mankind generations from after generations on earth, यानी हम जमीन में एक खलीफा मैं बनाने वाला हूँ, एक जमीन के अंदर एक सक्सेसर बनाने वाला हूँ, यानी कुछ लोग इस दुनिया के अंदर बसेंगे। मैंने कायनात पैदा की है तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, एंजल से कहा कि इस कायनात के लिए मैंने एक मखलूक को पैदा किया है। तो जो एंजल्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, बड़ी मशहूर आयत है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, कि दे सेड विल यू प्लेस देयर इन दोज हु विल मेक मिसचीफ देयर इन एंड शेड ब्लड वयस्फिकु दिमा, एंड ए अल्लाह ताला आप बड़े हकीम हैं, आप बहुत, लेकिन क्या आप इस दुनिया में ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो इस दुनिया में जो है फसाद करेगी, खून पाएगी? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ and indeed we glorify you with praises and thanks. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُكَ exalted be you above all that they associate with you as partners and sanctify you. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ He said, Allah subhanahu wa ta'ala said, I know that which you do not know. तो इस आयत से हमें पता ये चला कि अल्लाह ताला ने जमीन में खलीफा को पैदा किया। फरिश्तों का एतराज था, फरिश्तों का सवाल, एतराज तो नहीं सवाल था, सवाल ये था कि ए अल्लाह आप ऐसी मखलूक इस दुनिया में पैदा कर रहे हैं जो विच मे बी ऑफ नथिंग,
useless in other words. यानी आप एक जमीन में एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जिसने सिर्फ दुनिया में तबाहकारी करनी, और फरिश्तों को कैसे पता चला? ऑफ कोर्स फरिश्तों को इसलिए पता चला कि फरिश्ता हमसे पहले इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जिन्नात को भेजा था। जिन्नात जो थे वो एग्जाम्पल जो है फरिश्तों के सामने मौजूद थी कि जिन्नात ने बिल्कुल वही काम किए जो कि इंसान से एक्सपेक्टेड थे। उन्होंने वो बुरे काम किए, उन्होंने खून बहाया, लड़ाई झगड़े किए, बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रोमिस्क्यूटीज जो है वो हमारे अंदर पाई जाती हैं वो जिन्नात में पाई जाती। वो बुराइयां उनमें भी नेक लोग, उनमें भी नेक जिन होते हैं, उसमें भी मुसलमान जिन होते हैं, उनमें भी अल्लाह के नाफरमान होते हैं, बुराइयां करने वाले होते हैं, सब लोग होते हैं मौजूद ना। तो उन्होंने इस बेसिस के अंदर अल्लाह से कहा, सवाल किया कि अल्लाह आप एक इंसान को पैदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी जमीन उसके लिए बना रहे हैं, इतने बड़ी रिसोर्सेज और अपनी मखलूक को उसके लिए आपने पैदा किया है, जबकि ये जो इंसान है, ये जो पैदा होगा, इसकी आउटकम क्या है? He will not be beneficial, he will not be good, he will not be a source of good. तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम मुझे पता है तुमसे ज्यादा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता। तो अल्लाह ने हमें एक फरिश्तों के सामने एक एक्नॉलेजमेंट दी, एक एक ऑनर दिया कि नहीं, ये दुनिया के अंदर इंसान जो मैं पैदा कर रहा हूँ ये बेसलेस नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, बल्कि इसके कुछ फवायद हैं, ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ बेनिफिट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप देखें कि जब आप किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो जरा डायरेक्टर लेवल की या जरा एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब कर रहे हैं, उनको पता होगा कि उनको जो है अटेंडेंस दिए जाते हैं, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उनको गाड़ियां दी जाती हैं, उनको उनको इदारे जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुख्तलिफ चीजें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, और वही रिसोर्सेज जो है एक क्लर्क जो है या एक आप समझ ले एक जेनेटर जो होता है, जेनेटर यानी सफाई करने वाला, उसको नहीं दिया जाता। ठीक है, और क्यों नहीं दिया जाता? वो मतलब ये सोच सकता है, वो सवाल कर सकता है कि यार मैं इतना काम करता हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप इसको ये सारी चीजें क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, राइट? तो एक बेसिक, मैंने तो ये भी करता हूं, मैं आपके लिए भी करता हूं, सफाई भी करता हूं, मैं हर चीज करता हूं, जो आप कहते हैं मैं सब कुछ मानता हूं, वो आप उसको सब कुछ नहीं कह सकते। उस डायरेक्टर को सिर्फ या उस एग्जीक्यूटिव को सिर्फ वही काम कहा जाता है जो उसके काम यानी जो मखसूस काम कहा जाते हैं, हर काम नहीं कहा जाता, लेकिन मुझे हर काम करना पड़ता है जो भी मुझे कहा जाए। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग हिम दीज रिसोर्सेज, राइट? तो कहने का मतलब है बिल्कुल उसी एस्पेक्ट से फरिश्ते भी ये सवाल करते हैं कि अल्लाह, फरिश्ते जाहिर हमसे कम पर नहीं है, लेकिन फरिश्ते जो है वो ये सवाल करते हैं अल्लाह ताला, इंसान को क्यों सब कुछ दिया गया, राइट? तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर एक सक्सेसर बनाया, खलीफा बनाया, एक ऑनर दिया, एक रिस्पेक्ट दी, और एक्सपेक्टेशन इंसान से यह है कि वो इंसान इसके रिटर्न के अंदर जो अल्लाह के उससे तकाजे हैं उनको पूरा करे, जो अल्लाह उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन अल्लाह ने लगाई है हमसे, हम उनको पूरा करें। और फिर इंसान को अल्लाह ताला ने, अच्छा ये भी एक समझने वाली बात है कि बिफोर असाइनिंग टू मैन द इनहेरिटेंस ऑफ द अर्थ, God made it explicitly clear to him that he alone is the that he alone is the Lord, the ruler and the deity. Allah ne insaan ko authority to di, Allah ne insaan ko autonomy di, Allah ne is duniya ke resources insaan ke liye rakhe. Insaan aaj electricity ko apne benefit ke liye use karta hai, pani ko apne benefit ke liye use karta hai, isi tarike se phal jo hai, sab ye jo plants hai unko apne benefit ke liye use karta hai. Ye आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात और कैसी अल्लाह की अजीम मखलूक है, उनको इंसान, ये जो कभी जहाज पे आप सफर करें तो कितनी बड़ी बड़ी अल्लाह की बड़ी बड़ी ताकतें जो है, लश्कर है अल्लाह के, इंसान किस अंदाज से उनको यूज करता है, अपने बेनिफिट को यूज करता है, राइट? अब लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को ये चीज जरूर याद दिलाई कि ये बात समझना कि तुम दुनिया में तुम्हें अटॉनमी तो दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी अटोनमी से बाहर हो, मेरी अथॉरिटी से बाहर हो, नहीं। इस कायनात का खुदा मैं हूं, मैं तुम्हें क्लियरली कह रहा हूं, तुमने मानना मुझे है, तुमने मुझे ओबे करना है। ये कायनात सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया। यू आर सपोज टू बी सबमिट, यू आर सपोज टू सबमिट योरसेल्फ टू मी। और ये फैसला अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजने से पहले किया। ये आयत सुनिए, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ and remember when your Lord brought from
from the children of Adam alayhi salatu wasalam, from their loins, their seed, and made them testify as to themselves, saying, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا, they said, yes, we testify. أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ, lest you should say on the day of resurrection, indeed, we have been unaware of this. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے, جو پروجنی ہے, children of آدم علیہ السلام ہے, اور ان کی جو آگے لائنز سے جو اللہ نے, یعنی ان کی ذریت ہے, جو ان کی اولادیں ہیں, سب کے سب سے, یعنی اس کائنات میں جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے, ان سب کے سب کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے ایک گواہی لی, ایک وعدہ لیا, اور ان سے ایک ٹیسٹیمونی لی, اور کہا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا لارڈ نہیں, ام آئی ناٹ یور ڈیٹی, ام آئی ناٹ دی لارڈ, ام آئی ناٹ دی رولر. قالوا بلا, ان سب نے کہا کہ شہیدنا, اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں, کیوں نہ, آپ واقعی ہمارے خدا ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے ماننے والے ہیں. ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین, اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ وعدہ اس لیے لے رہا ہوں, یہ ٹیسٹیمونی میں نے تم سے اس لیے لیا ہے, کیونکہ کل کو قیامت کے دن تم یہ نہ کہو, تمہارے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو, اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. تو اللہ نے باقاعدہ ہم سے یہ ایک وعدہ لیا, ہم سے گواہی دی, گواہی گواہ بن جاؤ, اپنے آپ پر گواہ بن جاؤ, قیامت کے دن تم سے سوال کیا ہے پیدا. اور اسی چیز کو, یعنی ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ نے ہم سے پہلے, یعنی یہی چیز کو اللہ نے پھر انبیاء اور رسول بھیجے, جن کا کام یہ تھا کہ ان میسج کو ہمیں ریمائنڈ کروانا, اور انبیاء اور رسول نے آ کے ہمیں یہ ہمارا میسج دلوایا. So as such, the entire universe and all the creatures in it, including man, must submit to him alone. Man must not think himself totally free and should know that this earth is not his permanent abode. He has been made to live upon it only during the period of his probation. And in due course, he will return to his Lord to be judged according to the way he has utilized the period of probation. So Allah Ta'ala keh rahe hain ki, insan ko Allah ne is dunya mein bheja hai, lekin insan se vaada liya hai, aur یہ بھی یاد دلایا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر تمہارے پاس فل اٹانمی اتھارٹی نہیں ہے, بلکہ تم میرے ماتحت رہو گے, اور ایک وقت آئے گا, میں نے تمہیں یہ دنیا میں پرماننٹلی نہیں بھیجا, میں نے تمہیں صرف وقتی طور پہ بھیجا. اس دنیا کے اندر تم جاؤ اور اپنے آپ کو جو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو فلفل کرو, اور پھر ایک وقت آئے گا جو تمہیں واپس آئے گا, تمہیں بلایا جائے گا, اور پھر تمہیں پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو تم نے معاملات کی. جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں, قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے علاوہ میں کسی رب کو تلاش کروں؟ وهو رب كل شيء, he is the lord of everything, ولا تكسب كل نفس الا عليها, and no person earns any sin except against him only. یعنی انسان جو بھی کوئی برائی کرتا ہے, کوئی بھی گناہ کرتا ہے, کوئی بھی غلطی کرتا ہے, تو اس کا جو وبال ہے, اس کا جو ریٹرن ہے, وہ اس کی جان کے لیے ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا, ہر بندہ اپنے ایکشنز کا ریسپانسیبل خود ہے. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ and then you will return to your Lord فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ and then he will inform you and then he will tell you wherein you have been differing. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں یہ یاد دلائیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم اختلاف کیا کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, یعنی جن کے بارے میں جن کو, یعنی ہم میں سے کوئی لوگ آپس میں فیصلہ, یعنی جو بھی جھگڑے کرتے تھے ہم, کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے, قیامت کے دن اللہ فیصلہ کریں گے, کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں, اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. بیسک پرنسپل اس بات کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے, تو انسان کو ایک وقتی طور پہ بھیجا ہے, اور ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اب کون کس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, کون کس کو مجبور کرتا ہے, یہ سب فیصلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے. اب یہ ساری چیزیں تو ہمیں بیسک پتہ چل گئی, ڈفرینٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کائنات میں انسان کو بھیجا, اور انسان کو بھیجنے کے لیے ساتھ اپنی اتھارٹی کو بھی یاد دلایا اور بتایا کہ تم فلی اٹانمی نہیں دے دی گئی, تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور تمہیں پھر ایک وقت میرے پاس آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریلائز کروایا گیا انسان کو کہ سکسیسفل اس دنیا کے اندر کامیاب صرف وہی ہے جو اس کائنات کے اندر جس نے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ایکوائر کر لیا,
जिसने अल्लाह ताला की रजा हासिल कर ली, जो अल्लाह ताला की इस दुनिया से कामयाब होके गुजर चुका, यानी उसकी डेफिनेशन, कामयाबी की डेफिनेशन यही है कि इंसान इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह की एक्सपेक्टेशन है, उनको फुलफिल उसने किए, और जो बंदा उसी के लिए जन्नत है, उसी के लिए रिवॉर्ड है, उसी के लिए रिटर्न है, उसी के लिए आखिरत है। लेकिन जो बंदा जिसने अपनी मनमानी की, उसने समझा कि मुझे अल्लाह ने अथॉरिटी दे दी है तो अब मेरी मर्जी, मैं अपने बारे में फैसला करूंगा कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो फिर दुनिया के अंदर वो बंदा नाकाम हो जाएगा। कुरान मजीद में सक्सेस की डेफिनेशन, दुनिया की सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, या आखिरत की सक्सेस, यानी सक्सेस जिस चीज को हम कहते हैं, कामयाबी जिसको कहते हैं, कुरान मजीद ने उसको डिफाइन किया है, कुल नफ्सिन दाइकतुल मौत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर जात ने मौत का जायका चखना है। वो इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और ऑन द डे ऑफ रिज़रेक्शन ईच वन ऑफ यू विल बी पेड द रिटर्न ऑफ देयर डूइंग्स इन फुल। क़यामत के दिन हर बंदे को जो उन्होंने किया होगा उसका अजर मिलेगा, हर एक पूरा पूरा। فمن زحزح عن النار was saved from hellfire وأدخل الجنة and he entered blessed. आगे की फिनिशिंग ये है, आपके सामने इसमें तो सब वेरिएशन का वक्त भी है। وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, और दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। It's a deception. यानी दुनिया की जिंदगी डिसेप्शन इस अंदाज से है कि अक्सर औकात हम ये समझ बैठते हैं कि ये एंड है, ये आखिरत है, यही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी, ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि असल कामयाबी और सक्सेस वो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की तो सिर्फ एक टेंपरेरी प्रोबेशन पीरियड है जो हम गुजार रहे हैं। ताला ने इंसान को जो है दुनिया के अंदर भेजा, तो दुनिया के अंदर इंसान को ये सारी चीजें रियलाइज करवाई, इंसान को बेसिक नॉलेज दी, अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाई, बतलाई, सब कुछ बतलाया। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक अल्लाह ने ये चीज अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं सबको जो है वो, मतलब मेरी तरफ से मैसेज जाएगा, मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी लोगों को। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद में मेरे ताला ने फरमाया दुनिया के अंदर उतर जाओ, मेरी तरफ से एक डराने वाला आएगा, मेरी तरफ से एक खुशखबरी देने वाला आएगा, रिमाइंडर आएगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम सबके सब अपनी औलाद समेत सब कुछ दुनिया में रहोगे, और फिर मेरी तरफ से गाइडेंस आएगी, रिमाइंडर्स आएंगे। जिसने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, जिसने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया वो कामयाब होंगे, और जिसने मेरी गाइडेंस से मुंह फेरा वो नाकाम हो जाएंगे। और एक एक पैगंबर और एक एक मैसेंजर आया और उन सब ने आके ये रिमाइंड करवाया, और सबका सब तमाम के तमाम ने जिंदगी के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट दिया, एक ही उसूल बयान किया, एक ही मैसेज दिया। प्राइमरली उनका दीन एक था, जैसे कि हम पहले इस पर बात करें, कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के बारे में जिक्र किया, और सबका मैसेज, अगर आप उन सबका खुलासा निकालें, सारों का मैसेज एक है, किसी के मैसेज में कोई इख्तिलाफ नहीं। और जैसे कि सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने फरमाया और मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअ'बुदून। We did not send any messenger before you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but we inspired him, saying, La ilaha illa ana. We inspired him. Humne unki taraf wahi ki, aur ye wahi ki, ke mere ilawa koi bhi maabood nahi hai. Fa'buduni, to tum meri ibadat karo. Aur is tarike se Allah ke Rasool sallallahu alayhi wa sallam, jo aakhri peghambar hai, unko is kainat ke sab ke liye bheja. Aur sab ke liye, wohi message dobara final repeat hua.
और उसके बाद अल्लाह ने अपनी तरफ से एक हुज्जत पूरी कर दी इस दुनिया के अंदर कि अब मेरी तरफ से इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को मैसेंजर्स भी चले जा चुके हैं, पैगंबर भी आ चुके हैं, और आखिरी पैगंबर ने अपने तमाम मैसेज को पूरी दुनिया के लिए एक यानी कंक्लूसिव मैसेज अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे इस दुनिया में सेंड कर दिया और फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन वनज़ीरा. If we have not sent you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, except as a giver of glad tidings and a warner for all mankind. Sabke sab ke liye ek darane wala aur ek khushkhabri dene wala. Darane wala kaun? Darane wala woh hai. Ye darane wala Allah Taala darate kisko hai? Darate usko hai jo darne wala hai aur achhi khushkhabri usko dene wali hai jisne jo apne aap ko Allah ki expectations ke mutabik is duniya ke andar guzara. इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जो है हमें ओवरऑल मिलता है, फिर इसके बाद इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस दुनिया के अंदर के इंसान एक बिलीवर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें हैं. तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, ये चीजें बड़ी मिनी रिमाइंडर के तौर पे हैं, एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप इसको जो है गुजरे से एक बार हमने काफी चीजें रिपीट की हैं, पढ़ी हैं, एंड हमारे पास इंशा 20-15 होगी तो वहां डिस्कस कर लेंगे. राइट नाउ मतलब इसमें चीजें ज्यादा पढ़ने वाली है, इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी. तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने पेश कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करें. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह अज़ीज़. तो आप में से जो बंदा जो है वो बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो अगले सेशन के अंदर इसको कंक्लूड करेंगे, राइट. तो लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर, बिकॉज ये बहुत रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है. तो इंशाल्लाह इसके हवाले से फिर ये आपके उससे पार्ट भी है, आपकी जो है इंशाल्लाह हमारे करिकुलम का पार्ट है. चूंकि तो मैं आपसे एक चीज आज डिस्कस करना चाह रहा था इस हवाले से कि हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़ कॉलेज ऑब्वियसली अनकरीब हम लोगों का एग्जाम्स होने वाले हैं, भाई. तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको असाइनमेंट अभी तक नहीं सेंड कर सका, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं असाइनमेंट आपके LMS के ऊपर आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी. आपके रिजल्ट से पहले पहले वो सबमिट करवानी है, तो विच मीन्स के एग्जाम्स तक आपके पास चांस होगा कि उसको आप उसी के ऊपर ही LMS के ऊपर आप सबमिट करवा दीजिएगा इंशाल्लाह. रही बात आपके एग्जाम्स की, तो इंशाल्लाह उसका कहीं भी हम डिस्कस कर लेते हैं. आपके ख्याल में अब तक हमारे 10 lectures, 10 topics कवर हो चुके हैं, और फिजिक्स के यानी खासतौर पर अगर आप मैं बात करूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट के, आप लोगों की हमारी 2 classes में सुन ली, तो हमने 2 classes कवर करनी है. तो आप लोग मुझे बताएं कि हम मेरे दिल है कि हम इस हफ्ते अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करें ताकि अगला हफ्ता जो है हमारे लिए जरा इजी हो. तो आप में से मुझे बताएं कि क्या हम रोजाना क्लास कर सकते हैं अराउंड 8 to 9, 7 to 8 वैसे तो मुझे फिजिकल लगता है 7 to 8, लेकिन आई थिंक 7 to 8 आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. अगर 8 to 9 हम रोजाना क्लास करें और हम अपने बाकी टॉपिक्स को